हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जे अमृतसर लद्देवाल गांव के रहने वाले हैं। और जे सिस्टर की गवाही जे बता रहे कि 2 महीने हो गए थे इनके शुगर की प्रॉब्लम थी, इनकी शुगर बहुत ही लो हो गई थी और जे बता रहे कि इनकी बॉडी में इनके जो सेल थे वो भी बढ़ गए थे और इनके पेट की इन्फेक्शन जो थी वो 15,000 हो गई थी। और प्लस इन्होंने बताया कि इनको गुप्त प्रॉब्लम भी थी लकोरिया की और जिसके कारण जे बता रहे जी काफ़ी परेशान थे और इनको इनका जो खून था वो भी बहुत कम था, 7 ग्राम इनका खून था और इन सब प्रॉब्लम के कारण जे बहुत ही परेशान थे और जे मेडिसिन भी खा रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और जे बता रहे कि जे अपने घर का काम भी नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा इनकी बॉडी में वीकनेस हो गई थी और मेडिसिन खा रहे थे जे बताते कि फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और जैसे ही जे सिस्टर ने विश्वास किया कि परमेश्वर जी मैं जैसे संगति में जाऊंगी मैं अच्छी हो जाऊंगी, तो इन्होंने विश्वास से 7 संडे की मीटिंग को अटेंड किया और जे हर जैसे संडे की मीटिंग में आते थे और जे बता रहे कि जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे और जब प्रभु के दास के मुख से वर्ड्स आता था कि जिनकी शुगर की प्रॉब्लम है, पेट की इन्फेक्शन, खून की कमी, तो जे हर एक वर्ड्स को अपने लिए रिसीव करते थे और जे धन्यवाद देते रहे। और फिर जे सिस्टर जे विश्वास में बने रहे और जैसे जिन्होंने 7 संडे की मीटिंग अटेंड की और उनमें से इन्होंने जब 1 मई की मीटिंग में आए और इन्होंने विश्वास से फॉर्म फिल कराया और अपनी जो सारी प्रॉब्लम को लिखवाया, सबसे पहले हम इनके ले हैंड वीडियो क्लिप को देखेंगे। Out, 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 out. Shut, shut. बताओ, बताओ, बताओ जो बताना। तो प्रेरित जी, जो सिस्टर बता रहे कि 2 साल से जब बताते कि उसको बहुत ज्यादा चक्कर आते थे, जब जैसे जब बता रहे कि इनके लिए ले हैंड हुई तो जो विश्वास में बने रहे, धन्यवाद करते रहे और मीटिंग्स में आते रहे, तो जो बता रहे कि परमेश्वर ने आज इनको इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आजाद कर दिया। आज इनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना खून की कमी, ना इनको शुगर की प्रॉब्लम है। जो इनकी गुप्त प्रॉब्लम थी उससे भी परमेश्वर ने इनको फ्री कर दिया है। और परमेश्वर ने जो बताते कि इस सब प्रॉब्लम से फ्री तो कर दिया था, पर हम जैसे जानते हैं कि पिछले दिनों में सब लोग धान की खेती का काम चल रहा है, तो जे भी सिस्टर उस काम में बिजी हो गए थे, काम कर रहे थे और जिसके कारण जिस सिस्टर 1.5 महीना संगति पर नहीं आए। और जैसे परमेश्वर ने पहले इनको अच्छा किया तो जो 1.5 महीना संगति में नहीं थे आए, तो फिर से इनके प्रॉब्लम जो थी, इनके घुटनों में प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज़्यादा इनके घुटनों में दर्द शुरू हो गया। जब बताते हैं कि संगति में आने के ना कारण जब बता रहे कि जो काम में बिजी हो गए थे जिसके कारण इनका इन्होंने समय नहीं दिया परमेश्वर को और इस प्रॉब्लम में जे अपने काम पर जाते थे और जे बताते कि जे मेडिसिन तो खा रहे थे और जितना समय जे मेडिसिन खाते थे उतना असर रहता था और जे कुछ समय के लिए सही रहते थे मेडिसिन खाने के बाद, फिर से जे प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी क्योंकि घुटनों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, जे चल फिर नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे और बहुत ही तकलीफ में थे जब जे अपने काम पर भी जाते थे और उसी हालत में जे अपना काम कर रहे थे। और जैसे ही बता रहे हैं कि जैसे कि प्रभु के दास के मन में परमेश्वर ने अपनी शुभ इच्छा को लगाया और इनके एरिया में प्रभु के दास ने विजिट की इनके गांव को, लोगों को, जब परमेश्वर के दास और भी उस मीटिंग में आए तो जैसे प्रभु के दास सबको मिले, तो जब इस सिस्टर के साथ भी बात हुई तो इनके साथ जब मिले और इन्होंने बात की तो बताया कि ऐसे जो मेरी प्रॉब्लम है, फिर से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि जब इनको परमेश्वर ने जो इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बॉडी में आ गई, जैसे हमने पहले भी सुना है, तो इनके पास इतना समय नहीं था, जो गवाही देने के लिए भी संगति में नहीं थे आए। तो जैसे इनको प्रभु के दास ने टीच किया कि आपने तो परमेश्वर की महिमा के लिए समय भी नहीं दिया, तो जो कि 1.5 महीना हो गया था जो संगति में नहीं थे आए और इन्होंने बताया कि मैं इस प्रॉब्लम में अपने काम में भी जाती रही, तो फिर जैसे ही प्रभु के दास ने इनसे इनको उत्साहित किया, टीच किया कि अपने मन को फिराओ और जैसे इनका मन फिराया कि जैसे अभिलाषा के कारण हालात आते हमारे जीवन में, तो जैसे जब परमेश्वर से दूर हो गए थे तो आज से अपने मन को फिराओ कि परमेश्वर के साथ
कभी भी कोई मीटिंग को मिस नहीं करना और परमेश्वर से सही तरह चलना है। पहले हम इस क्लिप को देखेंगे जो कि इनके गांव में जब विजिट की थी तो इनका जब मन फिर आया था प्रभु के दास ने इनके साथ बात की, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। अनुसार मैं शास कर रही हूं कि हालात साड़ी अभिलाषा दे कारण आउंदे ने। जदों असीं अपनी बुद्धि नाल तुहाडे तो दूर होके इस तुहाडा दित्ता जीवन तुहाडी रूह दी जो खुराक है असीं उहनूं नहीं दिंदे, इसलिए परमेश्वर ये हालात मेरे कारण आए, इसलिए प्रभु मैं मांगदी हां कि मैनू माफ करो, ये हालात मेरे कारण आए। तुसी पहला भी मैनू बड़े वड्डे हालात तो बाहर कढ़िया, पर मैं तुहाडे प्रेम ते तुहाडी उस आज्ञा नू जो तुहाडी पवित्र बाइबल च लिखिया सी कि छे दिन काम करो ते सतवां दिन परमेश्वर दे घर उहदे लोकां नाल गुजारो, मैं तुहाडा वचन पूरा नहीं कीता और ना पूरा करन दे करके ये हालात मेरे जीवन च आए, इसलिए खुदावन मैनू माफ कर। तू माफ करने वाला परमेश्वर, तू चंगा करने वाला परमेश्वर, तू अति करुणामयी परमेश्वर है, ते विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर, जो मैं मंगिया तू दयालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। अगे तू असी अपनी बुद्ध नाल ऐदा नहीं करांगे, अज असी तुहाडे वचन सिखिया कि अगर तुसी इकलौता पुत्र अपना साडे जीवन दे लई, साडे चंगियाई दे लई, साडे अच्छे जीवन दे लई, साडे बरकतां दे लई नहीं रखिया, ओनू दे दिता आ ते तुसी ओदे नाल जो साडियां जरूरतां ने ओनू भी पूरा करोगे, पर अपनी बुद्धि के कारण ये हालात आया है, पर अज तुहाडे वचन के मुताबिक असि मन फराने हैं, मैं मन फराने हैं कि माफ करो, तुहानू माफ करो कि मैनू चंगा करो, मैनू चंगा करो, ते दयावान परमेश्वर। तो जैसे इन्होंने अपना मन फिराया और विश्वास किया और जो बहुत ही इनसे चला नहीं जाता था, बहुत ही तकलीफ में चलते थे और वहां पर इनकी जैसे हमने वीडियो भी बनाई कि जो बहुत ही तकलीफ में चल रहे थे, पहले हम उस वीडियो को भी देखेंगे। प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि आज आप ऐसे चल रहे हैं पर विश्वास करना, जो अपने मन फिर आया है आज ही परमेश्वर आपको इस प्रॉब्लम से अच्छा करेंगे। और जब बता रहे कि जैसे उस दिन जैसे शाम के समय जब बता रहे कि जो धन्यवाद करते रहे चलते फिरते, जैसे जो तकलीफ में जा रहे थे और जो धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर आज मुझे आप अच्छा कर चुके हो, और उसी शाम को जब बता रहे कि जो बहुत ही तकलीफ में चल रहे थे परमेश्वर ने उसी समय शाम तक इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो घुटनों में दर्द थी, वो पूरी तरह से उस दर्द से जो फ्री हो गए। अभी जो सिस्टर चल फिर सकते, बैठ सकते, पहले जो बहुत ही तकलीफ में थे, तो सिस्टर अभी आप बैठकर दिखाइए और चल फिर कर भी दिखाइए। हालेलुया। तुझे बताते कि जो पांव के बल भी बैठ नहीं सकते थे और जो बहुत दर्द में थे, तकलीफ में थे, पर जैसे इन्होंने अपना मन फिराया, विश्वास किया और आज परमेश्वर ने इनकी पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे और जो प्रभु का और प्रभु के दास का भी धन्यवाद करते, हम जोर से तारीफ करेंगे। इग्लेसिया
ओके सुनो 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 रुको मैं। इस गवाही से कितने लोगों को और समझ आई? आज का आधा सरमन आज की गवाहियों से परमेश्वर उसकी समझ दे रहा आपको। समझ आ रही है? कितनों को समझ आई है? देखो परमेश्वर ने पहले भी इस सिस्टर के जीवन में कितना बड़ा काम किया। कौन क्या क्या प्रॉब्लम थी बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले? हाँ बताओ। नहीं नहीं आप बताओ, आप बताओ। शुगर की प्रॉब्लम थी और प्लस इनके पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी। इनकी सेल बढ़ गए थे, जो इनका खून था वो 7 ग्राम था और इनकी गुप्त प्रॉब्लम थी, लकोरी की प्रॉब्लम थी। इतनी प्रॉब्लम थी, सबसे प्रभु ने क्या किया? अच्छा किया। सुनो, सब चीजों से प्रभु ने अच्छा किया। पर जिसे पिछले दिनों में धान की खेती समझे, धान की मतलब जिन्हों से बोल दे पंजाबी झोना ला रहे से सारे तो बिजी हो गए। अभी क्यों गए सस्ते भी बिजी हो गए ना उस काम दे विच। क्या हो गई? ये बिजी हो गए और 1.5 महीना तक ये उसी काम में लगे रहे। क्या रहे? उसी काम में लगे रहे। यहां तक कि जो इतना बड़ा खुदा ने इतनी इतनी प्रॉब्लम से अच्छा किया, ये आकर ये नहीं है कि आकर मैं प्रभु की महिमा करूं, क्योंकि अपने काम में बिजी हो गई। इसी लिखा हालात आते हैं हमारी सड़ाहट के कारण, अभिलाषा के कारण। प्रभु ने वो उस चीजों से सबसे तो अच्छा किया। बोलो क्या है? उन सब उस प्रॉब्लम से सबसे तो अच्छा किया, पर क्या हो गया कि ना आने के कारण कुछ और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, घुटनों की दर्द की, क्योंकि 1.5 महीना ये लगातार रंग आए नहीं। बोलो क्या है? कितनों को समझ आ रही है? ये 1.5 महीना आए नहीं, जिसके कारण फिर से प्रॉब्लम आ गई घुटनों की। इतने दर्द उठने बैठने में, रोज मेडिसिन खा के अपना काम करते थे। आपने देखा वीडियो में इनसे चला नहीं जाता था क्योंकि काफी दर्द थी। बोलो क्या है? कितनी दर्द थी। और जैसे ही उस चीज से मन फिर आया, बोलो क्या है? जैसे ही उस चीज से उस दिन इन्होंने मन फिराया कि आगे से प्रभु मैं ऐसे नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? आगे से मैं ऐसे मैं आगे से नहीं करूंगी। और जैसे ही मन फिराया, उसी शाम को ही उस प्रॉब्लम से प्रभु ने क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। इसलिए इस गवाही से समझो, मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए इस गवाही से समझो कि हालात आने का कारण क्या है। दोबारा से बोलो क्या है और क्यों आते हैं? समझ आ रही? क्यों आते हैं? इसलिए किसके साथ जीना है? किसके साथ जीना है? क्यों प्रभु ने कहा रोटी से ज्यादा जरूरी क्या है? क्यों कहा प्रभु ने रोटी से ज्यादा जरूरी क्या है? किसका वचन? उसको खाना है, क्योंकि शरीर की रोटी से वो ज्यादा जरूरी है, नहीं तो हालात आएंगे। बोलो क्या है? अगर अपने जीवन को सेफ रखना चाहते हो, सुरक्षित रहना चाहते हो, तो किसके साथ बने रहो, किसके साथ जुड़े रहो? बोलो किसके साथ बने रहो, किसके साथ जुड़े रहो? क्योंकि परमेश्वर आपको सब विपत्तियों से बचाता है, सब कष्टों से वो छुड़ाता है, क्योंकि वो भला है। चाहे इनकी अभिलाषा के कारण वो हालात आया, पर परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने फिर से सब कुछ अच्छा किया और आज आपके सामने है। बोलो क्या है? आज आपके सामने है। पहले भी इतनी प्रॉब्लम से प्रभु ने अच्छा किया, जो दूसरी आई उससे भी किया, और ये पूरी तरह भी फ्री है। बोलो क्या है? ये पूरी तरह भी फ्री है। आगे से तो नहीं ऐसा करोगे? हाँ नहीं सर जी, आगे से नहीं करोगे? हाँ ओके तो ठीक है, हम तारीफ करेंगे इस बड़ी बात के लिए, इस बड़े काम के लिए जो खुदावंद ने किया है। खुदावंद तेरा शू लेना जिंदगी बदल देता है।